एक बार सभी लोग जोरदार ताली बजा दीजिए। साथियों, आज बड़ी खुशी की बात है दोस्तों, इंदौर फिजिकल एकेडमी दोस्तों अभी तक दोस्तों, क्योंकि अग्निवीर की रैली भर्ती चल रही है, जिसमें बात करता हूं दोस्तों हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अभी तक दोस्तों इंदौर फिजिकल एकेडमी से बराबर 100 प्लस बंदों ने फिजिकल दोस्तों कहता था कि सपने में देखा था जिसको, आज वही दिन आया है। और दोस्तों आज इन सभी भाइयों की मेहनत रंग लेके आई है। किसी भाई ने 100 नंबर का फिजिकल टेस्ट क्लियर करा है और किसी ने 88 का फिजिकल क्लियर करा है। आज हम दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से सभी भाइयों से परिचय करवाएंगे। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, आपको एक सवाल आ रहा होगा कि सर आपके यहाँ से 100 प्लस बंदों का फिजिकल टेस्ट क्लियर हो गया तो बच्चे आए क्यों नहीं, तो एक बार कैमरा इधर लेके आओ। जो बंदा अदर स्टेट से बिलोंग करता है, एक बार हाथ खड़े करो। दोस्तों देख रहे हैं क्या अदर स्टेट वाले बंदे यहाँ पर वीडियो के लिए आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते दोस्तों। जिन बंदों की भर्ती पास में है या हमारे मध्य प्रदेश में है दोस्तों, वही बंदे का वीडियो बनता है, बाकी बंदों का वीडियो नहीं बनता है। तो सबसे पहले दोस्तों परिचय करवाऊंगा दोस्तों गौरीशंकर से। और गौरीशंकर ने दोस्तों लाइव बोला था कि मैं वापस 100 नंबर का फिजिकल टेस्ट क्लियर करूंगा। तो तारा एक बार कम ईयर, ये है दोस्तों 60, तारा दिखाई दे रहा है? दे रहा। और सेकंड बात दोस्तों, ये 10 भीम 60 और 40। और साथियों 10 और 48 88 है ना। इसके बाद दोस्तों इसका भी 88 का, और इस बंदे का दोस्तों 100 नंबर का फिजिकल टेस्ट है। खुशी की बात है दोस्तों, और मालिक की दुआ आशीर्वाद से दोस्तों, जो बंदा मेहनत कर रहा है हर बंदे का फिजिकल टेस्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले परिचय कराऊंगा गौरीशंकर से। गौरी तारा पास। साथियों जय हिंद। मेरा नाम गौरीशंकर चौधरी, मैं एमपी के खंडवा जिले का रहने वाला हूँ। मेरी महुआरों की रैली भर्ती धार में थी, जिसमें मैंने एक्सीडेंट मारा गुरु जी के आशीर्वाद से। बहुत बहुत शुभकामनाएं। गौरीशंकर आप मुझे ये बताओ, बहुत बंदे घबरा रहे हैं, पहला ये कि जिन बंदों ने पहले भर्ती मार दी थी अब उनसे भर्ती नहीं लग रही है, और बंदा बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो रहा है सर, हो नहीं पाएगा, तो बच्चों को क्या सलाह देना चाहोगे आप? कहना चाहूंगा सर जी, हमेशा बताते हैं कि आपने मेहनत कभी करी होगी तो 100% आपका फिजिकल निकलेगा। और घबराहट तो होती है, जो मेहनत करता है उसी को घबराहट होती है, जो मेहनत नहीं करता वो तो बेटेंशन जाता है, आराम से जाता है, उसको घबराहट थोड़ी सी भी नहीं होती। एक और घबराहट भी होती है, और एक और सर जी का आशीर्वाद भी रहता है मेरे साथ। मतलब एक और मुझे जब गया था सर जी में तो घबराहट भी होती, एक और विश्वास सर जी को, मतलब मेरे ऊपर इतना विश्वास था कि 100% कुछ भी हो जाए फिजिकल बंदा मारेगा। कल शाम को जब मैं ग्राउंड पे आया था, सर जी ने सबके सामने मुझे खड़ा किया था, आपने बोला था कि ये बंदा कल वापस 100 नंबर का फिजिकल मार के आएगा, तो घबराहट तो हो रही थी, पर मुझे लग रहा था कि सर जी को विश्वास है मेरे पे, तो भले कुछ भी हो जाए मुझे 100 नंबर का फिजिकल ही मार। आपको बताया कि अपनी एकेडमी में 1600 मीटर का टाइमिंग 4:20 है, लेकिन गौरीशंकर कम से कम 150 बंदों के पीछे आता था। लेकिन कहते हैं दोस्तों कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, अरे थक कर ना पेट, मंजिल के मुसाफिर मंजिल पे मिलेगी और मिलेगा नशा। आपके सामने 150 बंदों के पीछे आने के बावजूद भी 1600 मीटर का टाइमिंग है गौरी का 4:48, और वहां पर बंदे ने 1600 मीटर सुपर एक्सीलेंट मारा। और गौरी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर जी। अच्छा लग रहा है। पिताजी वीडियो देख रहे हैं, माताजी वीडियो देख रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे आप? पिताजी माताजी और गुरु जी का आशीर्वाद रहा मेरे साथ, इसलिए मैंने फिजिकल मारा है, और आगे मेरा मेडिकल आने वाला है, कल मेरा मेडिकल है, तो मेरा माता पिता और गुरु जी का आशीर्वाद है, मेडिकल भी क्लियर करूंगा। और सर जी बताते हैं कि 4 राउंड कैसे मारना है, जब आप रैली भर्ती देने जा रहे हो तो 4 राउंड मारना है, तो जब भी आपको ट्रैक पे बिठाए बेटेंशन होकर बैठना है, उतना लोड नहीं लेना है। सर जी बोलते हैं कि जो जिसने मेहनत करी उसका फिजिकल क्लियर होगा, और आपने कभी मेहनत करी है और आप यहाँ पर आए हो
और जितना सर ने बोला उतना आपने करा है, तो आपका नंबर चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, कहीं पर भी हो, मेरा नंबर सर जी आगे से चौथी लाइन में आया था जी। जब मैं दौड़ा स्टार्टिंग में तो मुझे बंदे ने पीछे से मेरी टी शर्ट खींची जी। तीसरे पहले राउंड में मैं कम से कम 50 या 55 बंदों के पीछे था पहले राउंड में। दूसरे राउंड में वही पोजीशन थी मेरी, तीसरे राउंड में मैंने खींचा, तीसरे राउंड में मैं 30 या 35 बंदों के बीच में आया और लास्ट राउंड में इतना उठाया कि दूसरे नंबर पे आया सर जी मैं। बहुत बहुत पर टाइमिंग थोड़ा कम मिला था मुझे, दो एग्जाम कैंसिल हुई थी, 2 महीने का टाइम मिला था। उसके बाद भी सर जी को पूरा विश्वास था कि 100 नंबर का फिजिकल क्लियर होगा और मैंने सर जी की मैं सर जी ने जो मेरे पे विश्वास किया था मैं उस पर खरा उतरा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। क्या है सुपर एक्सीलेंट की बात करते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर जो बंदा मेहनत कर रहे हैं उन पर इतना भरोसा है। सेकंड बात दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि दोस्तों अभी हाल ही में मतलब इसके पहले जो इंडियन आर्मी का फिजिकल टेस्ट था, बंदों ने बराबर 2 साल 1 साल 1.5 महीने मेहनत 1.5 साल मेहनत करी रिटर्न टेस्ट की। उसके बाद में रिटर्न टेस्ट नहीं हुआ, बंदे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। फिर उसके बाद में 1 से 1.5 महीना मेहनत करी और उसके बाद में भी एक्सीलेंट मार दिया, तो इससे बढ़कर इनकी मेहनत से कुछ ही नहीं, मतलब बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने 1.5 महीना मेहनत करी उसके बावजूद भी सुपर एक्सीलेंट मारा। ताली बजा भाई। कितने महीने मेहनत करी है बाबू? 2 महीने सर। 2 महीने। क्या बोलना चाहेंगे दोस्तों लोग को? कुछ नहीं सर, अच्छे से मेहनत करो तो सब पास हो जाएंगे। सब पास हो जाएंगे, वाह लव यू। नेक्स्ट सर, मैं मध्य प्रदेश MP का रहने वाला हूँ, मध्य प्रदेश खंडवा से रहने वाला हूँ। और सर मैं यहाँ पर पिछले 8 महीने से ट्रेनिंग कर रहा हूँ सर जी के आशीर्वाद से। मेरा फिजिकल टेस्ट क्लियर हुआ है और ये मेडिकल टेस्ट की चिट्ठी है जो कल 5 बजे होगा। बिल्कुल जरूर सफल होगा। मेरा नाम ऋषि जोड़िया है, मैंने 100 नंबर का फिजिकल क्लियर किया है गुरुजी के आशीर्वाद से। मैं कहना चाहता हूँ कि पहला राउंड जोश में, दूसरा राउंड होश में, तीसरा राउंड माँ पिता की और माँ पिता की और गुरुजी के आशीर्वाद से, चौथा राउंड सीधा खोज में। वाह ग्रेट, वाह भाई। 150 मीटर की लीड देती हूँ। बाबू ने सुपर एक्सीलेंट मारा, एक बार दिल से तालियां बजाइए। फौजी बनोगे? यस सर। वाह, तो साथियों आपने जाना है कि जो बंदा मेहनत करता है सफलता उसके कदम जरूर चूमती है। और मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों कि जो बंदा फिजिकल टेस्ट से आउट हो गए हैं तो उन बंदों को नर्वस नहीं होना है, आपको मेहनत करना है। कहते हैं दोस्तों कि असफलता ही सफलता का मार्ग बताती है, इसलिए अपने आपको डिमोटिवेट में नहीं पटकना है, वापस मेहनत करना है। आपको पता है कि आपने कहाँ गलती करी, वो गलती को सुधारना है और वापस आपको तैयारी में जुट जाना है, क्योंकि वापस 6 महीने बाद में भर्ती आने वाली है, फिर अपने माँ बाप का नाम रोशन जरूर करेंगे। मैं आशा करता हूँ साथियों वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो कंटिन्यू अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कभी आपके भी सपनों को साकार करना है तो एक बार इंदौर फिजिकल एकेडमी जरूर आना। आप भी दोस्तों इंदौर फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करिए, बराबर 300 बंदों का एक ग्रुप बनता है। जिस तरह रैली भर्ती में दोस्तों कंपटीशन होता है उसी तरह दोस्तों यहाँ पर होता है। और यहाँ जिस बंदों ने भर्ती मार दी, जिस बंदों ने पार्ट डाउन मार दिया, दुनिया की कोई भी ताकत उसको 1600 मीटर एक्सीलेंट मारने से नहीं रोक सकती। फौजी बनोगे? यस सर। मेहनत करो बेटा। मैं बोलना चाहूंगा आप सभी भाइयों को कि इंदौर फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करने से फौजी नहीं बनोगे आप, आपको मेहनत करना पड़ेगा, ग्राउंड पर पसीना बहाना पड़ेगा। कहते ना दोस्तों कि जो इंसान पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है, और जो बंदा पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है। चलो साथियों, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, मैं बस यही चाहता हूँ कि दोस्तों जो बंदा यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं या कहीं भी मेहनत कर रहे, वो बंदा सफल हो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। जय हिंद, जय भारत।